हेलो दोस्तों, मैं अभुन मिश्रा और आज आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हिस्ट्री प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि है जाने माने बिजनेसमैन अडानी जी के बारे में। और तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप कोई भी हमारी वीडियो मिस ना कर पाए। कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये डायलॉग आजकल हर किसी के जबान पर है, लेकिन महज कुछ ही लोग इस पर असल जीवन में उतारते हैं और अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। ऐसे ही एक कहानी है भारत के सबसे मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जो तंग गलियों से निकलकर आज दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं भारत के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी के संघर्ष पर। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। अडानी के 6 भाई बहन थे। अडानी का परिवार बेहद संपन्न नहीं था, इसलिए वो उस दौरान अहमदाबाद के पोल इलाके की सेठ चौल में रहते थे। अपनी पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़कर अडानी एक दिन कुछ पैसे लेकर मुंबई आ गए। उस वक्त वो महज 18 साल के थे। मुंबई जाकर वह हिंद्रा ब्रदर्स में महज 300 रुपए सैलरी पर काम करने लगे। लेकिन अडानी इतने में ही नहीं मानने वाले थे। जल्द ही उन्होंने 20 साल की उम्र में ही हीरे का ब्रोकरेज आउटफिट खोल लिया। किस्मत ने साथ दिया और पहले ही साल कंपनी ने लाखों का टर्नओवर किया। फिर भाई मनसुख लाल के कहने पर अडानी मुंबई से अहमदाबाद आकर भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने लगे। फिर पीवीसी इंपोर्ट का सफल बिजनेस शुरू हुआ। जब प्लास्टिक कारोबार से पूंजी इकट्ठा हुई तो 1988 में गौतम अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड की नींव शुरू की। यह कंपनी पावर व एग्रीकल्चर कमोडिटीज के सेक्टर में काम करने लगी। धीरे धीरे एक्सपोर्ट का कारोबार गति पकड़ता रहा। उन्होंने पोर्ट सहित कई कारोबार में हाथ डाले और हर जगह सफलता नसीब हुई। अडानी ग्रुप का कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है। अडानी की पत्नी का नाम प्रीति है, जो पेशे से एक डेंटिस्ट है और अडानी फाउंडेशन की हेड है। अडानी के दो पुत्र हैं करण और जीत। इतना ही नहीं, अडानी के पास दो प्राइवेट जेट हैं, बीच क्राफ्ट जेट जो 2005 में खरीदा था और हॉकर जेट 2008 में खरीदी गई थी। फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी आज 6.4 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं और अहमदाबाद के अरबपतियों में शुमार हैं। आज अडानी ग्रुप देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनियों में से एक है। उनकी कुछ कंपनियां जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, अडानी इंटरप्राइजेज जो कि सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दूसरे नंबर पर आती है अडानी ग्रीन एनर्जी जो कि रिन्यूएबल पावर जनरेशन पर काम करती है। और तीसरे नंबर पर है अडानी फोर्स एंड सेज जो कि एग्री लॉजिस्टिक्स और कई सारे क्षेत्रों में काम करते हैं। अडानी ट्रांसमिशन जो कि पावर ट्रांसमिशन का काम करते हैं। अडानी टोटल गैस जो कि गैस डिस्ट्रीब्यूशन में महारत रखती है। अडानी पावर जो कि थर्मल पावर जनरेशन का काम करती है। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें अडानी ग्रुप का मालिकाना हक है। गौतम अडानी की संपत्ति पिछले साल की तुलना में 41.5 अरब डॉलर से बढ़कर 75.3 अरब डॉलर रही। यह तेल से दूर संचार साम्राज्य के मालिक मुकेश अम्बानी द्वारा 2021 में अपनी संपत्ति में किए गए $13 बिलियन के अतिरिक्त है। अडानी की कई लिस्टेड कंपनियों ने साल के लिए निवेशकों को ठोस रिटर्न दिए। अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज ने इस साल अपने शेयर धारकों को 245% की तेजी देखी। इस अवधि के दौरान अडानी ट्रांसमिशन में 288% की वृद्धि हुई, जबकि अडानी टोटल गैस में 351.42% की वृद्धि हुई। और इसी के साथ वह मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर पिछले वर्ष भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले बिजनेसमैन बने और कुछ दिन के लिए वह भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी बने और एशिया के सबसे अधिक अमीर व्यक्ति का भी खिताब कुछ दिन के लिए हासिल किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आप कुछ सीखते रहें और कुछ नया और बड़ा करने की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था वीडियो का अंत।